अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का सेशन भी हमेशा के सेशन की तरह बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमने लेक्चर है उसके अंदर प्रॉपर ये आज हमने पैटर्न डिज़ाइन करना है, इस तरह के मोटिव डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं और इन मोटिव डिज़ाइन का पर्पस क्या है बनाने का, और फर्दर इन मोटिव से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन के अंदर जो है प्रॉपर टॉपिक रहेगा और इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। उसके लिए जी सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं और पेज के बाद कुछ रेफरेंसेस को देखते हैं मोटिव्स के, और उसके बाद हम प्रॉपर जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जी आप अपना मोटिव डिज़ाइन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अपनी फाइल को अपना किसी भी जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अपने फाइल को सेव कर लीजिए। बाकी जी 1080 पिक्सल्स के अंदर विड्थ और 1080 हाई, तो एक स्क्वायर के अंदर मैं साइज को ले रहा हूँ जिसके अंदर एक आर्टबोर्ड मैंने सेलेक्ट किया है और सिंपल मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा आर्टबोर्ड है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। जस्ट प्रीवियस लेक्चर से मैं यहाँ से कुछ एलिमेंट्स जो कि डिजिटल फ्लेयर का लोगो है और आज के टॉपिक का नेम है, जस्ट मैंने उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यूनिवर्सल शॉर्टकट की है कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, जस्ट मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया। अब जी हम कुछ मोटिव्स को देख लेते हैं। मोटिव्स को देखने के लिए सिंपल आप गूगल पे आओ और गूगल पे आके आप जस्ट मोटिव डिज़ाइन लिख लें और आपके पास यहाँ पर कुछ मोटिव्स आ जाएंगे बने हुए। तो ये बेसिकली पैटर्न्स आपको बेडशीट्स पर नज़र आते हैं, टेक्सटाइल से रेलिवेंट डिज़ाइंस में नज़र आते हैं। इसी तरह अडोब इलस्ट्रेटर की मदद से हम किसी भी पैटर्न को डेवलप कर सकते हैं और उसकी रिपीटेशन कर सकते हैं बहुत ही आराम से, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो भी हम बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ मोटिव्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप जाकर देख सकते हो मोटिव से रेलिवेंट। एनी हाउ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने एक शेप बनाने के लिए, एक छोटी सी शेप मैं डेवलप करता हूँ और सिंपली यहाँ से जी एलिप्स टूल ले लेता हूँ और एलिप्स टूल की मदद से ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से एक सर्कल हम बना लेते हैं और इस सर्कल का एक कलर दे देते हैं जो कि हम खाली आउटलाइन में कर लेते हैं ताकि हम इसको फर्दर जो है फाइन ट्यून कर सके। अच्छा, फिलहाल हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है एलिप्स टूल इसी की कॉपी मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से ले रहा हूँ और जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आता है यहाँ पर मैं अपनी दोनों कीज और माउस के बटन को रिलीज कर देता हूँ। अच्छा, तो ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं इन दोनों को अब हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम पाथ फाइंडर टूल की मदद से भी इन साइड एलिमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल पर जस्ट जाके ये जो बाहर वाले पार्ट जो हाईलाइट हो रहे हैं इसको मैं अगर आप ऑल्ट प्रेस करें तो देखिए मेरे कर्सर के ऊपर प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपने जस्ट ऑल्ट प्रेस करना है और इस वाले पार्ट को ख़त्म कर देना है। तो इस वाले पार्ट को ख़त्म करने के लिए ऑल्ट प्रेस किया और जस्ट इस पर ड्रैग कर दें और एग्जैक्टली इसके साथ भी कुछ ऐसा ही करें। तो ये जी हमने एक बीच का पार्ट जो है वो निकाल लिया है, एक पैटर्न नुमा सी शेप जो है वो हमने बना ली है और इसको जी अब हम प्रॉपर यूज़ करेंगे। तो फर्दर जी हमें इसे क्या करना है, इसे जस्ट मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेट, लेकिन रोटेट किस एंगल पे करना है ये मैटर करता है। तो ये जी जस्ट मैं इसके सेंटर में आपको, अगर आपको एक उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और कंट्रोल आर फॉर रूलर्स और इन रूलर्स को उठा के आप अगर इस शेप के मिड में ला कर रख दें तो ये देखें ये आपको कुछ शेप नज़र आ रही होगी। मैं इस शेप को आर प्रेस करके इसका सेंटर पॉइंट जो आपको सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पर कहीं लेकर आना चाह रहा हूँ। तो जस्ट मैं आर को प्रेस करके रखूँगा और जस्ट यहाँ पर लाकर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा सेंटर पॉइंट ये टारगेट का निशान आपको इधर नज़र आ रहा होगा और अब मैं यहाँ पर आल्ट प्रेस करके जस्ट सिंगल क्लिक करूंगा। जैसे सिंगल क्लिक करूंगा मेरे पास रोटेशन टैब ओपन हो जाएगा। दोबारा देखें
इस पॉइंट के ऊपर आपने जस्ट ऑल्ट प्रेस करना है और जस्ट यहाँ पर सिंगल क्लिक कर देना है। जैसे सिंगल क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर रोटेशन टैब ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कितने डिग्री पे रोटेशन चाहिए। तो मैं कह देता हूँ 30 डिग्री पे मुझे रोटेशन चाहिए और यहाँ पर कुछ प्रीव्यू भी आपको मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर कॉपी के बटन पर क्लिक कर देना है और कॉपी के बटन पर क्लिक करने के बाद जस्ट कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है जब तक आपकी प्रॉपर शेप बन नहीं जाती। और फाइनली मेरी शेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बेशक अपनी स्मार्ट गाइड को उठा के साइड पर ले जाओ और फाइनली आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन चुका है। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसको जी मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ ताकि मैं अपने प्रोसेस वर्क में भी अपनी शेप को यहाँ पर रख सकूँ। ठीक है, तो ये फाइनली मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। अच्छा, आगे हमने क्या करना है, आगे हमने करना ये है कि एक काम तो ये था कि शुरू में हम ग्रेडियंट कर लेते एक शेप में और उसी को ही रोटेट कर लेते। तो अभी फिलहाल हम ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, फिल कर देते और फिर हम उसको रोटेट कर लेते, लेकिन अभी भी हम ये कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल एक ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ कस्टमाइज ग्रेडियंट शेप के अंदर और उसकी आउटलाइन को मैं जस्ट नन कर रहा हूँ और ग्रेडियंट के अंदर कोई एक कलर कम्बिनेशन हम दे देते हैं। तो ग्रेडियंट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो और ग्रेडियंट के पैनल में जाते हैं तो आपके पास ये दो कलर कम्बिनेशन है जिससे मिलकर आपका ये ग्रेडियंट बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ग्रेडियंट के अंदर फर्स्ट कलर मैं जस्ट ये डुप्लीकेट हो गया, आप बेशक इसे डिलीट कर दें। एक कलर को यहाँ से आई ड्रॉपर टूल की मदद से एक कलर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं और सेकंड कलर जो है हम इसका ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दो कलर्स कम्बिनेशन हमने सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब क्या है कि एक सर्कल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ग्रेडियंट ना वर्टिकल नजर आ रहा होगा, मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट जो है हॉरिजेंटल जो है इसको हम अप्लाई करें। तो इसके ऊपर जस्ट आप ग्रेडियंट के ऊपर जी प्रेस कर दें, जैसे जी प्रेस करेंगे आपके पास ये एक लाइन सी बनी हुई आ जाएगी और इस लाइन को अगर आप ऊपर से ड्रैग करके नीचे की तरफ करेंगे तो ये देखें अब आपका जो शेड है वो अब क्या हो रहा है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट टू डार्क जा रहा है। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से डार्क को बढ़ा भी सकते हैं या फिर आप इस तरह से जो इसके मिड में है इसकी मदद से आप अपने शेडो को सेट कर सकते हैं। फिलहाल यही शेडो मैं इस शेप इन सारी शेप्स में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और यहाँ से शेड के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने जो शेड है अप्लाई कर दिया है। अच्छा, इन ओवरऑल शेप्स के अंदर हमने प्रॉपर शेड जो है ये अप्लाई कर दिया है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इन सारी शेप्स को आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी में जाएं और ये नॉर्मल लिखा हुआ है इधर क्लिक करके आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो फाइनली दिखने में कुछ इस तरह की शेप आपको ये लगेगी। ठीक है, तो अब इसे जी ओवरऑल सेलेक्ट करके मैं इसे छोटा कर देता हूँ और फाइनली यहाँ पर हम इसे रख देते हैं और इसको भी जी यहाँ पर ला के छोटा सा इधर आप रख लें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सारे इमेजेस को जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, बेशक अगर आपने इसका कोई रेफरेंस मतलब कि प्रैक्टिस वर्क में रखना है तो वो रख सकते हैं। फिलहाल हम करने क्या वाले हैं, हम करने ये वाले हैं कि इस ओवरऑल शेप्स को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जी कर लें। क्या कर लेंगे आप, या ऑब्जेक्ट में आके आपके पास यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन ही मौजूद है या शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल जी। फिलहाल जी आप ऑब्जेक्ट में आके यहाँ पर ग्रुप कर लें। अब ये आपकी तमाम जो लेयर है वो ग्रुप हो चुकी है और अब हम इसकी प्रॉपर रैप कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप अफेक्ट में जाएँ, अफेक्ट में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है फ्री डिस्टॉर्ट। तो सिंपल आपने क्या करना है, डिस्टॉर्ट इन ट्रांसफॉर्म और उसके बाद सेकंड आपने फ्री डिस्टॉर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्री डिस्टॉर्ट पे क्लिक करोगे आपके पास ये पैनल कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट इधर से सिलेक्ट करें, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ला के रखो और इसको उठा के आप जस्ट यहाँ पे रख दो इस कॉर्नर पे और इसको उठा के आप इस कॉर्नर पे रख दो और फाइनली जी आप ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप अपेयर हो जाएगी। अब आप इसको बेशक एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करने के लिए क्या है, आप इसे ऑब्जेक्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट में जाकर सिंपली आप एक्सपेंड अपीयरेंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है शेप आपकी बिल्कुल जो है जो मैं बनाना चाह रहा था वो बन चुकी है।
अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। इसी के ऊपर अगर मुझे कॉपी लेनी है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल एफ फॉर कॉपी इन फ्रंट, मतलब कि कॉपी जो है वो फ्रंट के ऊपर आपको प्रोवाइड कर देगा कंट्रोल एफ प्रेस करके। अब ये देखें डबल शेड आ गया, इट्स मीन कॉपी हो चुका है। और अब मैं इसे 45 डिग्री पे शिफ्ट प्रेस करके इसे 45 डिग्री पे हम इसे रोटेट कर देते हैं और फाइनली डन। ये देखें एक मज़े का मोटिव हमारे पास बन गया। अब हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर लें या इसके आप पैटर्न्स बना लें, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और इसी तरह आप इसकी कॉपी करके इसे यहाँ पर रख सकते हैं। और ये देखें आपने डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स अगर आपको बेडशीट के लिए चाहिए या कर्टन्स के लिए चाहिए तो आपने बहुत आराम से बना लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इन तमाम को डिलीट कर रहा हूँ और सिंपली हम एक ही जो पैटर्न है उसको लेकर चलेंगे और प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन के काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं। इसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो और इसको जी जस्ट अगर आपको डॉटेड लाइन में लेकर जाना है तो स्ट्रोक के पैनल में चले जाएं और डैश लाइन पर क्लिक कर दें। और डैश लाइन पर क्लिक करने के बाद सिंपली जो है आप यहाँ पर शेप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आपने बना लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अब आप जो है प्रॉपर इसको जो है प्रॉपर डायरेक्शन वगैरह दे दें और प्रॉपर यहीं से ही बेशक कम्बिनेशन वगैरह उठा लो ताकि आप एक अच्छे तरीके से जो है अपनी शेप को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली जी यहाँ पर हम कलर वगैरह दे देते हैं और जैसा कि हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया है तो आप सिंपली यहाँ पर ग्रेडियंट दे दो और यहाँ पर आप मेंशन कर दो ग्रेडियंट। तो यहाँ पर ग्रेडियंट तो ये आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ से फिलहाल इसे हटा देते हैं और इस ओवरऑल शेप को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ताकि हम फर्दर प्रेजेंटेशन वगैरह भी बना सकें। फिलहाल जी यहाँ से स्ट्रोक का जो पैनल है इसकी डैश लाइन को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपर शेप की शक्ल दिखे हमें। अच्छा जी आगे जी मैंने जो इसके अंदर एक जस्ट आपको एक पीछे ग्रिड सा नज़र आ रहा है उसके लिए मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने एक लाइन ली है जैसा कि ये और एंटर कर दिया है और इस लाइन को कलर दे दिया है, चाहे आप ब्लू दे दें, ये ब्लू दे दिया है। और इसी लाइन की मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी ली है और उसे कंट्रोल डी मतलब कि कंट्रोल डी क्या करता है, लास्ट एक्शन को आपके रिपीट कर देता है। तो इसको जी मैंने ओवरऑल सेलेक्ट किया। अब आप इसे बेशक कंट्रोल जी कर लें और कंट्रोल जी करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इधर से जी से बिल्कुल आप रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर लो और ऊपर वाली लाइन जो है अगर डबल क्लिक करके ऊपर वाली लाइन को डिलीट कर सकते हो जो कि बाहर एरिया आ रहा है, इसे डिलीट कर दें और दोबारा डबल क्लिक कर दें। अब इन लाइंस को हमें इतना प्रोमिनेंट नहीं रखना तो दैट्स वाई हम इसे ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी को आप कम कर देंगे, ओपेसिटी को इतना कम कर दें कि ये बिल्कुल लाइटर सा नज़र आए। अच्छा मल्टीप्लाई है दैट्स वाई ये ट्रांसपेरेंट मतलब कि आपकी शेप में से आपको नज़र आ रहा है। तो इसे आप थोड़ा सा और छोटा कर दें ओपेसिटी की मदद से, नाउ फाइन। उसके बाद मैंने क्या किया था फर्दर मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सर्कल के साथ ही प्ले किया था कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सर्कल ले लिया। इसी सर्कल की अगर आप कॉपी लेते हैं यहाँ पे जस्ट आप आउटलाइन में कलर दे दें और इसके स्ट्रोक को यहाँ से आप वैल्यू दे दें, यहाँ से स्ट्रोक की वैल्यू मैं 4 कर देता हूँ। और अगर इस लाइन को आपने शेप में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आप ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से जाके एक्सपेंड कर दें और ओके कर दें, फाइनली डन। और इसी तरह जी आप इसे यहाँ पे लाके रखें और इसे थोड़ा सा छोटा कर लो। और एक और काम भी हो सकता है, इसी को हम उठा के यहाँ पर लाएं और अब की बार हम इसके अंदर रिवर्स कर दें और इसकी आउटलाइन को एज इट इज़ रहने दें और इसको जी यहाँ पर लेकर आते हैं और इस पॉइंट पे लाके इसे थोड़ा छोटा करते हैं और इसको डैश लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। और डैश लाइन को जैसा कि यहाँ से मैंने 2 कर दिया है और यहाँ से मैंने इसे राउंड कर दिया है। तो ये देखें डिफरेंट सर्कल्स के साथ आप कितनी वैरायटी जो है वो ला सकते हैं अपनी शेप को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, नाउ फाइन। अब आपने 45 डिग्री पे जो रोटेट किया था यहाँ पे रोटेशन वगैरह ले आए और वो लाने के लिए सिंपल आपके पास क्या है, जस्ट यहाँ से पेन टूल है और पेन टूल की मदद से मैं एक लाइन ले लेता हूँ और इस लाइन को भी अगर आपको रोटेशन में लेकर जाना है एंटर कर दें, ये डॉटेड लाइन में ही आ रहा है क्योंकि सिलेक्टेड है।
और फर्दर जो है आपके पास यहाँ पे एरो हेड्स हैं, तो एरो हेड्स का ऑप्शन जहाँ पे आ रहा है यहाँ से आप इसके डिफरेंट एरोज, यहाँ से मैंने जो है एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप कोई भी एरो सेलेक्ट कर लो जैसा कि ये, और यहाँ से मैंने इसको एरो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप अपनी जो भी देना चाह रहे हैं डायमेंशंस वगैरह वो दे दें। और फर्दर जी आप जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने की है इसी को हम आगे एक्सपेंड करते हुए कि इसके अंदर जो है हम जस्ट आउटलाइन दे देते हैं और आउटलाइन का जो कलर है वो यहाँ से हम इसके अंदर दे देते हैं। नाउ फाइन, और इसी को जी हम यहाँ पर ले आते हैं और अब की बार हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको जी सिंपल कलर कर देते हैं और इसको आउटलाइन में दे देते हैं। और आउटलाइन में देने के बाद इसके अंदर भी जी जो आपका जो डॉटेड लाइन है वो आप दे दें बेशक, या इस डॉटेड लाइन को थोड़ा डिफरेंट कर दो ताकि जो है आपका, और इसकी ओपेसिटी को, ट्रांसपेरेंसी को लाइट कर दो। अगर कोई चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा फोकस ले रही है आपकी मेन प्रोडक्ट से आपकी अगर जो नज़र हट रही है तो इट्स मीन आप उसे थोड़ा सा डिम करें। अच्छा, फर्दर जो है आप इसके अंदर अगर कोई और कलर कम्बिनेशन भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर प्रीवियस जो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस वर्क के लिए आप लोगों के लिए रखा था, अगर मैं जस्ट यहाँ से एक कलर और लेकर आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ और फ़र्ज़ करें आपको यही ऑरेंज कलर जो है यहाँ पर इसके अंदर करना है, जस्ट अपनी शेप को सिलेक्ट करें, यहाँ से ऑरेंज कलर फिल कर दें, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप मल्टी कलर्स भी ऐड कर सकते हो। और इसको भी जी हम ऑरेंज कर देते हैं और इसी तरह आप एक और सेलेक्ट कर लें और इसको थोड़ा छोटा कर लें, और इसके अंदर अगर आपको कोई और कलर ऐड करने जैसे कि डिजिटल फ्लेयर के कलर्स ऐड करने तो मैंने एक ब्लू कर लिया और एक डिजिटल फ्लेयर का सेकंड कलर कर लिया। तो ये देखिए जी, इस तरह करके आप बेस्ट पैटर्न इसके डेवलप कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो है मेंशन भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ला के रख देता हूँ और इसको थोड़ा इसके क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो हमने यहाँ पर बना लिया है। और फर्दर जी इसकी प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे वेबसाइट का नाम, और अगर आप कोई कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम दे रहा हूँ डिजिटल फ्लेयर का, और यहाँ पर लेट्स टॉक के अब बात की जाए तो ये जी अब हम यहाँ पर मैं जस्ट रख देता हूँ और ये देखें इसका प्रॉपर इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे आपने खूबसूरत अंदाज से मोटिव डिज़ाइन कर लिया है। तो इसी तरह जी आप तमाम लोग और इंटरेस्टिंग सेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जल्द से रिव्यू देना मत भूलिएगा, अपना रिव्यू आप लाजमी दिया करें। और फर्दर जो है इसी तरह क्विक लेक्चर्स जो हैं वो हमारे चलते रहेंगे और बैक टू बैक मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग शेप्स हम बनाते रहेंगे। इसी तरह आप तमाम लोगों ने भी प्रेजेंटेशन बनानी है और मुझसे शेयर करनी है। अच्छा, जो लोग जिन्हें नहीं थोड़ा आइडिया और फर्स्ट टाइम इस पे हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो उन्हें बताता चलूँ, डिजिटल फ्लेयर एम्पावरिंग माइंड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स सीख सकते हैं जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसी से रेलिवेंट बहुत मज़े मज़े के और भी सेशंस हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑटो कैड, 3D मॉडलिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे से अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप तमाम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं डिजिटल फ्लेयर के, आप तमाम लोग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डिजिटल फ्लेयर की कम्युनिटी बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, अपना वर्क शेयर करते हैं, वहाँ पर जितने भी इंटेलेक्चुअल मेंटोर्स हैं उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनको हेल्प कर रहे होते हैं, और आप तमाम लोग भी पार्ट बन सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनली सीखना चाहता है किसी भी स्किल को, किसी भी हुनर को, तो वो बहुत ही आराम से सीख सकता है डिजिटल फ्लेयर के प्लेटफॉर्म पर। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ फिर दोबारा आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।